एक कॉम्बिनेशन है ठोस सामग्रियों का, जिसको पकाते हैं तरल में और प्रेजेंट करते हैं ग्रेवी के तौर पे। ये एक ऐसा खाना है जो बैठ जाता है आराम से तरल ग्रेवी में। स्ट्यू के लिए जो सामग्री चाहिए उसमें हो सकता है मांस या सब्जियां, या तो फिर सब्जियां आपकी पसंद की। और अगर आपको अच्छा लगता है एक्सपेरिमेंटिंग, आप कोशिश कर सकते हैं बनानी अपनी रेसिपी अपनी सामग्रियों के साथ, या जस्ट ऐड करके एक अच्छा सा ट्विस्ट आपकी रेगुलर स्ट्यू रेसिपीज में। तो आज की स्पाइस बॉक्स में हम देखेंगे कैसे बनाते हैं ग्रीन पी पटेटो लेंटिल स्ट्यू। तो बनाने के लिए ग्रीन पी पटेटो लेंटिल स्ट्यू हमें चाहिए मटर, आलू, दाल, यहाँ पे ले रही हूँ हरे मूंग, गाजर, टमाटर, प्याज, थोड़े धनिया पत्ते, लहसुन की कलियाँ, जीरा पाउडर, काली मिर्च, तेल और थोड़ा नमक। तो हम शुरू करेंगे गरम करने से तेल एक पैन में। एक बार ये हो जाए, एक बार तेल गरम हो जाए तो हम डालना शुरू करेंगे प्याज। मिला लेंगे इसको। अब हम डालेंगे लहसुन की कलियां। उसके बाद डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च। और थोड़ा सा जीरा पाउडर। और थोड़ा सा नमक। ये प्याज अब नरम हो चुके हैं, हम डालना शुरू करेंगे टमाटर। अब इसमें मैं डालूंगी 1/4 कप पानी। अब इसको हम पकने देंगे थोड़ी मिनटों के लिए। अब हम डालेंगे थोड़े गाजर। अब हमने डाल दिए हैं गाजर इसमें, अच्छे से मिला लेंगे। इसके बाद 1/4 कप पानी फिर से हम डालेंगे, पानी थोड़ा थोड़ा करके। इसको हम पकने देंगे लगभग 5 मिनटों के लिए। तो अब हम डालेंगे इसमें आलू और हरी मूंग। अब हम डालेंगे आलू। इसके बाद डालेंगे हरी मूंग, जिसको कहते हैं स्प्लिट ग्रीन ग्राम। डालेंगे थोड़ा सा और पानी इसमें, 1/2 कप। अब इसे हम पकाएंगे धीमी आंच पे लगभग 5 से 10 मिनटों के लिए। एक बार यह हरी मूंग और आलू पक जाए तो हम इसमें डालेंगे मटर। अब हम मटर अंत में क्यों डालते हैं, क्योंकि ये पहले से पके हुए हैं। अब हम इसे पकने देंगे लगभग 5 मिनट। और अगर आप चाहते हैं आपका स्ट्यू हो थोड़ा गाढ़ा, आप डालिए चुटकी भर कॉर्नफ्लावर इसमें। अब हम इसे पकने देंगे थोड़ी और मिनटों के लिए। तो देखिए, तो मेरा ग्रीन पीस पोटेटो लेंटिल स्ट्यू अब तैयार है सर्व करने के लिए। आप नमक को चेक करके अपने स्वादानुसार डाल सकते हैं। और अंत में इसको हम सजाएंगे थोड़े से धनिया पत्तों के साथ। ये ग्रीन पी पटेटो लेंटिल स्ट्यू है एक पूरा खाना अपने में ही।
इसमें है बहुत सारे पोषक तत्व, खास करके हरे मूंग में जिसमें है ज्यादा डाइट्री फाइबर, कॉपर और मैग्नीशियम। तो अगर आप हैं डाइट पर तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है।